हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. इट्स 7 AM इन द मॉर्निंग. आई एम एट पुरी एंड टुडे वी विल बी ट्रैवलिंग टू भुवनेश्वर, विच इज़ 60 किलोमीटर, 1 hour ड्राइव फ्रॉम पुरी. एंड वी विल विजिट सम ऑफ द साइट्स एंड प्लेसेस इन भुवनेश्वर, ऑल्सो सम ऑफ द प्लेसेस वाइल ऑन द वे टू भुवनेश्वर. सो आई विल सी यू द अदर साइड ऑफ द प्लेसेस एंड लेट्स सी, लेट्स एक्सप्लोर व्हाट आर द प्लेसेस आर देयर वी कैन विजिट. लेकिन भुवनेश्वर पहुंचने से पहले आपको कोणार्क सन टेम्पल आता है. कोणार्क पुरी से 35 किलोमीटर और भुवनेश्वर से 65 किलोमीटर के दूरी पर है. रास्ते में आपको पुरी कोणार्क मेरिन ड्राइव एंजॉय करते हुए जाएंगे और इसके वजह से हम लोग भी यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी रोका और व्यू को एंजॉय किया. उसके बाद 1 घंटा ड्राइव करने के बाद हम पहुंच गए कोणार्क सन टेम्पल. सो अभी हम कोणार्क टेम्पल के और जा रहे हैं. सो ये मार्केट एरिया है जो कि आपको क्रॉस करके जाना पड़ेगा. यहाँ लाइट शो भी होता है. इसका टाइमिंग है इवनिंग 6:30 to 7:30 PM. ये शो होता है 3 भाषा में, जो कि इंग्लिश, हिंदी और ओडिया में. 40 मिनट्स का होता है और रात को 8 बजे तक मंदिर खुला रहता है. ये रहा सन टेम्पल एंड द कोणार्क सन टेम्पल इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ इंडिया एंड इट्स ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. यहाँ पे भी क्यू है टिकट के लिए, तो हम लोग ने यहाँ टिकट काउंटर में जाके फिर वापस आके ऑनलाइन टिकट तुरंत बुक कर दिए. सो इट वाज लाइक डन इन 2 मिनट्स. सो इट्स इजी गाइस, यू कैन डू द टिकट ऑनलाइन. यहाँ पे आज बहुत भीड़ है, शायद आज संडे है इसीलिए इस बहुत भीड़ है. मे बी आप वीकडेज में ट्रैवल करोगे देन थोड़ा फ्रीली यहाँ पे देख सकते हैं, बट टुडे इट इज़ टू मच क्राउडेड. यहाँ आने के बाद हमको हमारे गाइड से पूरा कोणार्क का हिस्ट्री के बारे में पता चला. सर कोणार्क क्या है मैडम, किसी को समझ में नहीं आ रहा है. सर आप लोग अभी आप लोग कहाँ से आए? पुरी से ना भुवनेश्वर से? नहीं, अभी कहाँ से? पुरी. कौन सा रास्ता? पुरी. पुरी, पुरी से. हाँ. मैडम ये राइट साइड में पुरी जगन्नाथ टेम्पल, अब लेफ्ट साइड में भुवनेश्वर लिंगराज टेम्पल. अरे ये मंदिर एकदम कोण पे है मैडम. कोण होते मैडम जियोमेट्रिकल ट्रायंगल, जो सूर्य भगवान है उनका दूसरे नाम थे अर्थ. कोण प्लस अर्थ मैडम इजिकल टू कोणार्क, इसीलिए प्लेस जगह का नाम रखा हुआ है कोणार्क. ओके मैडम, आप जितना भी हिंदुस्तान मंदिर में जाएंगे सब जगह में शेर दिखिए नहीं तो हाथी दिखिए, लेकिन यहाँ पर इंसान पड़ा हुआ नीचे में दिखिए मैडम. हाथी के नीचे में इंसान है. इसका मतलब क्या होता है ना, सबसे ऊपर में शेर है, शेर होते माँ दुर्गा माया का बहन शक्ति का पति मैडम. उसका नीचे हाथी है, हाथी होते माँ लक्ष्मी का बहन धन और पैसा. लेकिन नीचे में इंसान के पास में ज्यादा पैसा मैडम, ज्यादा शक्ति होने से कोई की आदमी के मन में गर्व आकर ईगो घमंड चलाता है. जो आदमी ज्यादा गर्व आकर करते हैं भगवान उसका निपात करते हैं. वो बोलते हैं गर्व आकर बाहर छोड़िए, अंदर में प्रवेश कीजिए, भगवान का दर्शन मिलेगा. एक पत्थर में तीनों मूर्ति, लायन, एलिफेंट, म्यान मैडम. सेम ये किसको बोलते हैं मैडम, सिंह द्वार. ये पहला मंदिर मैडम, ये मंदिर को राजा नरसिंह देव ने गंगोड़ाई ने सुराजा मैडम 1238 में शुरू किए थे और 1255 ने कंप्लीट किया है मैडम. ये मंदिर को सूर्य पूजा करने के लिए सूर्य मंदिर बनाया था मैडम. ये यहाँ पर होता है मैडम ईस्ट समुद्र मैडम. जब सूर्य यहाँ से उदय होता है मैडम, सूर्य का पेलर उसमें आके मैडम इंडिया में फर्स्ट साला. जब राजा लोग सर बैठते हैं उनका दासी लोग मैडम डांस करते हैं मैडम. हमारे देश का नाम है उड़ीसा, तो उड़ीसा में ज्यादा फेमस है ओडिसी डांस. यहाँ पर मैडम 800 ओल्ड टाइम डांसिंग फूड, मतलब 8 साल मैडम जो लोगों ने थे उन लोगों हाथों में बनाया है. कोई आजकल कारीगर से काम नहीं कर पाता मैडम. यहाँ साइड में देखिए प्लेन पत्थर, आजकल जमाने में उन लोगों को प्लेन बना दिया. 800 ओल्ड टाइम, 800 साल पुराना मैडम. उस जमाने में उन लोग कारीगर ने हाथों में बना मैडम. ये पहला डांस थे ओडिस. और यहाँ पर देखिए मैडम तबला, ये आप लोग सर देखो तू गुजराट दांडिया डांस है क्या मैडम? दांडिया मैडम ये भरतनाट्यम तमिलनाडु का डांस मैडम. मैडम 1000 का नाच का मुद्रा चार बाजू में लगा हुआ है मैडम, मतलब कोई जेंट्स का नहीं, सब लेडीज का है मैडम.
800 से ओल्ड टेम्पल नो सीमेंट, मतलब 800 साल में मैडम कोई सीमेंट नहीं था, उन लोग चूना पत्थर में बनाया। मैडम ये पत्थर भुवनेश्वर खंडगिरी से लेके आया था मैडम। अच्छा। जी ये खंडगिरी में ही मिलता है क्या ये पत्थर? मैडम उस जमाने में मिलता था, आजकल नहीं मिलता है। पत्थर का नाम क्या है सर? ये पत्थर का नाम है बाबू, ये मुगुनी पत्थर सर। मैडम मैडम ये आपन बुझी पहले किंतु प्राय लोग बुझे ना सर। ये देखिए सर, मैडम उस जमाने में पुलिस स्टेशन नहीं था, लोग ज्यादा क्राइम करने से राजा कैसे दंड दिया देते, हाथी का पाँव में दबा के और पैर को ऊपर करके मैडम मार देते, क्राइम का पनिशमेंट। मैडम मैडम यहाँ पर देखिए सब लोग नृत्य कर रहे हैं, तो भगवान का नृत्य कहाँ पर है? इधर नहीं देखिए मैडम। मैम यहाँ पर गणपति भगवान डांस कर रहा है, यहाँ पर देखिए। अरे मैम यहाँ पर शिव शंकर तांडव कर रहा है साइड में। अरे मैडम इधर देखिए मैडम हनुमान जी का। अरे यहाँ पर देखिए मैडम गणपति कुबेर। मैम इधर श्री कृष्ण भगवान। अरे यहाँ पर मैडम कलकिया बता रहे हैं मैडम। मैडम ये एरिया पूरा 12 एकड़ है और 1200 कारीगर 1200 साल लगा था ये मंदिर को बनाने के लिए मैडम। यार लंबा यार है और मैडम कोमरे में गगरा है, देखिए गला में मांगसूत्र है मैडम, ओल्ड इज गोल्ड मैडम, 8 साल पहले में आईब्रो शेप था मैडम। और एक चीज आप लोग दिखाएंगे मैडम, मैम देखिए सिंदूर लगन तारीख मैडम देखो इस साइड में मैडम, जो सूर्य भगवान है उनका पत्नी का नाम मत देखिए मैडम, इसे सीधा लगाता है मैडम, स्ट्रेट लगाने से मैडम हाथ का अच्छा जो चेयर में आ जाता है तो अशुभ होता है मैडम, इसीलिए मैडम सिंदूर कैसे घुमा के लगाना है। जब सूर्य भवन मैडम पहले से उदय होते ना मैडम, उसका पहले रोशनी मैडम एक गेट के अंदर में आके इंडिया में फास्ट लाइट पहले रोशनी इंडिया में फर्स्ट, मतलब सनराइजिंग के लिए फेमस होते हैं कोणार्क और मैम सनसाइट के लिए फेमस होते कन्याकुमारी, उसका पहले रोशनी आके इसी के अंदर में गिरता है मैडम। और मैडम जो तीनों दरवाजे आप लोग देख रहे हैं 1 2 3, अगर तीन दरवाजा क्योंकि मैडम दिया है साल में होते हैं 12 महीना मैडम, ये उत्तरायण मध्यान्ह दक्षिण मैडम, इसीलिए मैडम ये साइड में गर्मी 4 महीना लाइट जाएगा, बीच में ठंडी रहेगा और साइड में बारिश मैडम। अगर आप मैडम आप बीच में खड़े रहिए, नजर रखिए एकदम एक गेट स्ट्रेट दिखाई देगा, फिर आप साइड में भी मैडम चलाइए और दरवाजा एकदम सेम, फिर उधर भी खड़ा रहे मैडम सेम, तीनों गेट एकदम मैडम सेम है मैडम। अगर साइड रहेगा तो सूरज को लाइट नहीं आ पाएंगे, आप ऊपर जाने का टाइम मैडम देखेंगे एकदम तीनों गेट एकदम सेम है, भीड़ आने का टाइम सुन लेके जाएंगे। सर ये भगवान के रात में मैडम 7 घोड़े 24 पहिया है मैडम, 7 घोड़े 24 पहिया मैडम, देखिए उनको ब्रिटिश लोग ने तोड़ दिया मैडम उस टाइम से, 1 2 3 4 मैडम। पूरी मंदिर के सामने बड़ा पिलर है और उन पिलर है अपन देखते ना, यहाँ पर था जब ये मंदिर अपवित्र होने के बाद में उनको छत्रपति शिवाजी CST मैडम, तो यहाँ से लेके वहाँ पूरी मंदिर पूजा कर रहा है मैडम। सूर्य का ड्राइवर होते मैडम अरुण बाबू, आज्ञा सूर्य ड्राइवर अरुण आप जानते वो मंदिर को यहाँ से लेके मैडम पूरी मंदिर पूजा कर रहा है सर। देखिए पहले हम बच्चा होते हैं फिर जवान होते हैं मैडम ओल्ड होते हैं, तो बच्चे लोग देखने के लिए नीचे में मैडम हाथी घोड़ा है और जवान लोग आ गया सर, उसका नीचे में लिखा है मैडम सन टेम्पल कोणार्क 10 रुपए के नोट के ऊपर में, इसको रिजर्व बैंक इंडिया मैडम ले लिया मैडम, पैसा का ऊपर मैडम छाप रहा है मैडम, ये इसको रिजर्व बैंक इंडिया ने ले लिया जी मैडम। अरे मैडम ये जो टूटा वाला मूर्ति है राजा का नाम है नरसिंहदेव, उनको वाइफ नाम है मैडम भानुमति, और वो होते हैं अफ्रीका जिराफ मैडम सामने में देखिए, एलिफेंट एंड ट्री जिराफ मैडम, अफ्रीका जिराफ। जब सूर्य यहाँ से दरिया से उदय होता है ना मैडम,
यहाँ से आते मैडम उसका पेल और उसकी मैडम इस साइड से आता है, चक्कर का बीच का पर मैडम इसे हाथ फेंकने से हाथ का परिचय मैडम यहाँ पर अगर छाया इधर आएगा तो सुबह का 6 बजे का मैडम, और थोड़ा सूर्य ऊपर जाएगा छाया नीचे मैडम यहाँ से 7:30 सर सुनो तो आ गया मैडम, यहाँ पहुंचेगा तो 9 बजे का सर सुनो तो आ गया बाबू मैडम, यहाँ से 3 घंटा सर बीच में 1.5 घंटा 6, 7:30, 9 यहाँ पहुंचेगा तो सर 10:30 बजे का, और ऐसे स्ट्रेट में रहेगा तो 12 बजे का सर, यहाँ पर 1:30, 1:30, 4:30 ये घड़ी से उल्टा घूमेगा सर, एंटी क्लॉक है, और मैडम देखिए एक एक डॉट होते 3 मिनट मैडम, मैडम जो छोटा छोटा डॉट है ना 1 सेकंड 3 मिनट, अभी टाइम कितना हुआ मैडम देखिए, हमारे पास कोई मोबाइल नहीं है कोई घड़ी नहीं है मैडम, अभी हम आपको टाइम दिखाता हूँ, हमारा छाया कहाँ पर जा रहा है आपको मालूम पड़ जाएगा, मैडम देखिए ये सुबह का 6, ये 7:30, ये 9, ये 10:30 ऐसे छाया रहेगा तो यहाँ पर 10:30 बजेगा, और यहाँ पर पहुंचू तो 12 बजेगा, यहाँ 1:30, 3, 4:30 मैडम देखो हमारा हाथ में अभी सेंटर में है मैडम, अभी मैडम देखो ये 6, 7:30, 9, 10:30, 12 तो मैडम छाया कहाँ पर गिर रहा है देखिए नीचे, अच्छा नीचे सेंटर में है मैडम, थोड़ा 12 बजने के लिए मैडम 5 मिनट की तो 5 मिनट बाकी है, 5 मिनट बाकी है मैडम, पूरा क्योंकि सब थोड़ा छाया साइड क्रॉस में सर देखिए, हाँ समझ गए, थोड़ा से सेंटर में पूरा आ जाएगा तो मैडम 12 बजे का सर, बुझी पहले तो आ गया मैडम, बुझी पहले तो मैडम छाईटा यही स्ट्रेट रहिले 12 बजे मैडम सीधा रहिले, तो टिकट क्रॉस हो देखो मैडम 5 मिनट कम हो मैडम, सीधा स्ट्रेट रहिले पूरा 12 बजे आ गया, मंदिर कितना सर पुराना है ये आप जो ऊपर की मूर्ति पड़ी है और रखा है जगह मैडम, दिस वन सेम आज मैडम जो इतना बड़ा बड़ा मूर्ति ऊपर में जो गिर गया उसको नीचे रखा है मैडम, सर देखो तो मैडम सर एक देखो तो सब ये मंदिर ये पत्थर का अंदर में लोहे के आयरन मिक्सिंग लगा हुआ है सर, और ये वाला जो लायन देख रहा है जिस वन सेम आज और में जो लायन है उसका हाइट इतना बड़ा जो गिर गया है इसको नीचे रखा है, बात मैडम इतना पत्थर जॉइंट हुआ है इसके अंदर में लोहे के मैडम देखो तो पत्थर से लोहा है सर, सर देखो आइए मैडम आलू स्टील मिक्स में लोहा आयरन मिक्सिंग पत्थर चला गया सर, ये लोहा आ गया देखो तुम आइए, छोटे छोटे मूर्ति आ गया सर, सूर्यों को दुईटा छाया माया मैडम, ये बच्चा ये जवान है उनका हेयर में मुकुट है कोमर में बेल्ट है मैडम, एकदम स्मार्ट है देखिए ये जवान वाला उस तरफ बुढ़ापा का है मैडम, यही पर देखो मैडम देखिए मैडम उस जमाने में कोई गाड़ी मोटर नहीं था मैडम, यहाँ पर देखिए इसे बैलगाड़ी में पत्थर लेकर आया है, और ये डबल चूल्हा मैडम और खाना बना रहा है मैडम देखिए, मतलब बहुत दूर से पत्थर लेकर आ रहा है जल्दी से खाना बनेगा डबल चूल्हा नीचे में सर, the Konar Sun Temple was built by King Narasimha Deva of the Ganga dynasty in the 13th century. It's built on the Kalinga architecture. The temple took 12 years to build with the help of 1200 workers. It was nearing completion. Suddenly, Bishu Maharana, who was the chief architect of the Konar temple, and his workers faced problems to fix the Kalasa in its proper position. In the meantime, Dharmapada, who was the son of Bishu Maharana, came to see his father for the first time. He got to know about the problem they were facing to fix the Kalasa, and he did something that 1200 workers was not able to do that. मेन मंदिर उपर जीव राजा जहाँ कौन तुम जाओ कलसटा फिटिंग कर जो कारीगर जाऊँ कलसटा फिटिंग करने कलस अलमारा सब तले पड़ जाऊँ से 1200 लोक फेल मारिगला आउ 5 दिन बाकी अच्छे 12 वर्ष मंदिर को पूरी जो तार भितर कलसटा फिटिंग नव राजा 1200 कारीगर सर मारिदेवे तो से मैडम बाबा कहले पु तो घर पड़ा पु बाबा क्वेश्चन कला बाबा आप तो हेड इंजीनियर अच्छा आपत तो 1200 कारीगर काम करके बहुत आईडिया अच्छी आपत मत गोटे थोड़े चान्स मौका आईडिया दिखाँ जो मेन मंदिर उपर मुझे कलसटा फिटिंग करदेवि जितेबाद बाबा मैडम के आईडिया देते ना ये पूरा बाली एरिया था पु मैडम पूरा एमती डेमो पूरा मंदिर पिक्चर मैडम यादला कहला बाबा कलसटा कौट फिटिंग हेता बाबा जो आईडिया बतईदे मैडम 12 वर्ष पुह के सुनार कलस फिटिंग कला 1200 कारीगर केमी फेल मारिगले सार ऊपर था कौन मैग्नेट और मैडम मैग्नेटा सुना कलस टच कर ना कलस
अनबालसन तले पड़ जाउथले एमती बहुत आदमी फेल मार जाउथले 12 वर्षर पोक गेले मैडम सुनार कलस तले मैडम लुहार क्लांप लगाई देला मैडम तले थेला चुंबक मैडम चुंबक लुहा को सार पर टाइम खिच टाणी रखिला आज्ञा रात्रि को भीतर कलसटा फिटिंग गेला मैडम राजा जानी पाले 1200 कारीगरी काम करि पाले एति दिन ट्राई करले करि पालेनी आज रात्रि को भीतर केम के ए काम 1200 कारीगर करनाते आउ के करछि आज सेति में कहले 1200 कारीगर को मारि देबो ता भीतर 1200 कारीगर आसी हेड इंजीनियर पाखरे पहुंच गेले आपन को 1200 कारीगर जीवन दरकार ना आपन 12 वर्ष पूर जीवन दरकार हेड इंजीनियर मैडम भाभी कहले कि 1200 कारीगर सर मरि जो संसार केमिति बढ़िबो से कहले मुझे मते 1200 कारीगर दरकार तो राजा का कथा 1200 कारीगर कथा ता बाबा का कथा सुनिया परे 12 वर्ष पूर सब सुनिया परे मैडम सी डिसाइड कले जदि मु मरि जीवि त 1200 कारीगर को जीवन बची जीवो आम बाबा को जीवन बची जीवो सेति पई के मैडम मेन मंदिर को चढ़ी कि मैडम आबी समुद्र थला सुसाइड आत्महत्या कर देले मैडम चंद्रभागा नदी सर ये आत्महत्या पर सर समुद्र 3 किलोमीटर दूर आगे पड़ेगा आज्ञा मंदिर टा अपवित्र होगा अन्याय हो गया मैडम ये साइड रे थला समुद्र मैडम ये साइड रे नदी मझीरे थला मंदिर आज्ञा तापर एठ 3 किलोमीटर दूर आज्ञा बाबू आप बुलिक जाऊँ एपटे 3 किलोमीटर जंगल पक्षे आज्ञा बहुत कम सर 0.5 किलोमीटर आज्ञा समुद्र पूरा पाखे आज्ञा रास्ता क्रस हो जाए साइड रे आज्ञा पूरा कम सर्टकट रास्ता मैडम जंगल साइड रे आज्ञा जो 1200 कारीगर मैडम जो काम नहीं कर पाया 12 साल के लड़का ने मेन मंदिर के ऊपर में कलश बैठा के यहाँ आत्महत्या करके मर गया मैडम उन्होंने उनका पिताजी को मिलने के लिए आया था जो 1200 कारीगर जो काम नहीं कर पाए उन्होंने पिताजी को बोला पिताजी अगर मुझे एक बार चांस और भरोसा आइडिया मौका दीजिए मैं मेन मंदिर के ऊपर में कलश फिटिंग कर देगा जब उनका पिताजी उनका आइडिया मौका दे दिया मैडम लड़का ने कलश मेन मंदिर के ऊपर में कलश फिटिंग कर दिया राजा को पता चल गया 1200 कारीगर नहीं कर पाया 1200 लड़के से कर दिया तो 1200 कारीगर उनको पिताजी को जान बचाने के लिए मैडम 1200 लड़के ने सब यहाँ कूद के आत्महत्या कर दिया उनको बचाने के लिए सब यही तो राजा 1200 कारीगर को मारते मैडम उस टाइम से मंदिर अपवित्र हो गया यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं मैडम घूमना वाला पूजा ही नहीं हुआ ता गुरु राजा पूजा करथले मैडम तापर पूजा मंदिर गेला तापर मैडम पूजा कला टाइम रे मंदिर पत्थर खसक चलला एबे साहब देखुं दा गया बाबू रिसेंटली ए जो काम चल छ मैडम देखुं तू मेन लुहार रेलिंग लगा छ आ गया सारे गेट खोलिया पे के सर मैडम जेते बेले बम ब्लास्टिंग हला तापर एटी लोक भी के होलन सब छाड़ छुड़ी पड़ेले पर समुद्र एरिया थला आ गया मंदिर अपवित्र हो सर आ गया तापर मैडम पूरा मंदिर ऊपर तक मैडम बाली चढ़ी जाइला आज्ञा खाली मंदिर ऊपर देखा जाऊला आ पूरा चारिपट बाली आज्ञा तापर मैडम से लट कर देखापी आ भितर को आसिले से टाइम रे गेट भितर मैडम पूरा बाली पैक कर दे कि खाली दरवाजा मुँह में पत्थर सिल करते मैडम आ भितर पूरा मंदिर भितर मैडम चारिपट पूरा बाली भर्ती अच्छे आज्ञा आ मैडम ये देखते सारे मैडम से मंदिर बंद अच्छी जदि गेट डायरेक्ट सर खोल जाए मंदिर भांगी जब कौन हम समुद्र मन डाउट आज्ञा से सर गेट केमती खोल जाऊँ मैडम देखते मैडम ऊपर सीढ़ी सीढ़ी देखो मैडम कम चल रही 2025 गेट मैडम ऊपर देखते मंदिर ऊपर सीढ़ी अच्छी आज्ञा मैडम डायरेक्ट मिशन मंदिर पूरा टॉप ऊपर होल करके भितर को आसो ता भितर बाली काढ़ला सामना गेट खोल जाए लोक भितर डायरेक्ट प्रवेश करेंगे एपट साइड बाहर को आसवे गेटा एमती खोल जाऊँ मैडम डायरेक्ट गेट खोल जाए आज्ञा जिते बड़े मैडम ये काम है होमयज्ञ स्टार्ट कर स्टार्ट कले कम शुरू करने मैडम ऊपर पत्थर खसला आज्ञा से भय तलू पड़े आसते कहे ना ये मंदिर हो पारे तापर सर बड़ बड़ पंडित आसते कहे कहे आ भितर मंदिर अपवित्र अच्छी पूजा पाठ स्टार्ट किसी तुम किसी आईडिया नक्सार कंप्यूटर किसी करेंगे तो पूजा पाठ आप कि करूँ ना से मैडम पूजा पाठ बंद कोणार्क वाज द प्लेस वेयर द फर्स्ट सन टेम्पल वाज बिल्ट बाय सांबा हु इज द सन ऑफ लॉर्ड कृष्णा बिल्ट the temple to worship the sun. It's believed that worshipping the sun started by Samba. According to the legend goes, Samba built the sun temple in the 19th century BC at the end of 12-year long worship of the sun. The worship cured him of the leprosy that he was suffering from at that time. Finally, we went to Chandrabhaga Beach, which is 3 km from Konark, famous for its beautiful sunrise. This is one of the best thing you can do when you come to Konark. I'm pretty sure you would love the experience in this clean beach. It has a great significance for Hindus and people visit annually for the Chandrabhaga Mela, which happens in the month of February.